यात्रा आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तो देश में अगली बार किसे प्रधानमंत्री चुना जाएगा? पीएम मोदी का क्या दोबारा से ये मौका मिलना तय है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा मध्यप्रदेश के सबसे अहम रीजन महाकौशल में पहुंची। महाकौशल मध्यप्रदेश का वो रीजन है जहां से इस बार सूबे की सियासी बिसात बिछाई जा रही है, और यही वो रीजन है जहां से 32 साल बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस से कमलनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से राकेश सिंह। ऐसे में 2019 के महासंग्राम को लेकर क्या कहता है मध्य प्रदेश का महाकौशल रीजन, आज वोट यात्रा में देखिए। सभी का मन डोल रहा है। अरे आया चुनाव का मौसम, जबलपुर बोल रहा है। मध्य प्रदेश का महाकौशल रीजन, सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा सबसे ज्यादा महाकौशल के जिलों से ही गुजरती है। नर्मदा इस बार प्रदेश की सियासत का अहम मुद्दा भी है। ऐसे में विकास और नर्मदा संरक्षण के मोर्चे पर घिरी बीजेपी ने 32 साल बाद सूबे में प्रदेश अध्यक्ष महाकौशल से ही बनाया है। ये जिम्मेदारी 3 बार के सांसद रहे राकेश सिंह को दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 9 बार के सांसद कमलनाथ को सौंपी है। प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ। यानी इस बार मध्य प्रदेश में सूबे से लेकर केंद्र की राजनीति पर असर डालने वाली चुनावी रणनीति की पूरी बिसात महाकौशल की जमीन से ही बिछाई जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या महाकौशल में फिर चलेगा मोदी सरकार का जादू, या फिर कमल को खिलने से रोक पाएंगे कमलनाथ? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा महाकौशल में जनता के सियासी मूड को भांपने के लिए जबलपुर पहुंची। भारतीय सेना के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण जगह, जहां तोप गाड़ी यानी कि आर्टिलरी व्हीकल बनने से लेकर शस्त्र कारखाना और शस्त्रागार मौजूद है, मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जबलपुर में दाखिल हो चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार धानी कहा था, तो आइए जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ के नेताओं ने इस संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, और जीतने के बाद जनता के लिए क्या किया है, और नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में यहाँ की जनता क्या कहती है, और क्या फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के मूड में है क्या जबलपुर की जनता? जबलपुर में हम जानेंगे। मोदी सरकार ने केंद्र में आने के बाद हिंदुस्तान के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। आजादी के बाद से ही उपेक्षा का दंश झेल रही संस्कार धानी जबलपुर भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाली लिस्ट में शामिल है। लेकिन जब इंडिया न्यूज की वोट यात्रा जबलपुर शहर की मदन महल स्टेशन रोड कॉलोनी पहुंची, तो जगह जगह घरों और दुकानों पर स्मार्ट सिटी का विरोध करते बैनर और बोर्ड दिखाई दिए। स्मार्ट सिटी को लेकर विरोध की वजह क्या है, हमने कॉलोनी के लोगों से जाना। नरेंद्र मोदी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो 100 ऐसे शहरों को स्मार्ट बनाने का वायदा किया गया था, नीतियां बनाई गई थी, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? जबलपुर में हूं मैं और मदन महल स्टेशन रोड पे हूं, और आपको तस्वीरें दिखा दूं, हर दूसरे घर पे यही पोस्टर लगा हुआ है, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि नरेंद्र मोदी को पिछली बार वोट दिया था कि नहीं, और इस बार देंगे कि नहीं। ये जो पोस्टर लगाया है साहब, हर दूसरे घर में मैं देख रहा हूँ यही पोस्टर लगाया है, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, वजह इसके पीछे क्या? इसके पीछे वजह यही है कि ये जो इस रोड पर खास करके, वैसे तो ये सारी शहरों की सारी रोडों को चौड़ी करना चाहते हैं,
हमारा सोचना यह है कि इस रोड में इतना ज्यादा कोई ऐसा कंजेशन नहीं है, क्योंकि सरकार छोटे छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को और सड़क के किनारे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, बैठते हैं दुकानदार, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है कोई। और अगर ये इस तरह की स्मार्ट सिटी के नाम पे ये तोड़ेंगे, रोड बनाएंगे, चौड़ी करेंगे, तो इतनी बिल्डिंगें टूटेंगी कि रोज सड़क पे आ जाएंगे। जबलपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर चंद लोगों को अपने मकान, दुकान और कारोबार का नुकसान होता दिख रहा है, लिहाजा वो मोदी सरकार के इस फैसले से नाराज है। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा मदन महल स्टेशन रोड से आगे बढ़कर मदन महल यानी शारदा मंदिर पहुंची, जहां का बैलेंसिंग रॉक पूरी दुनिया में हैरत का विषय बना हुआ है। कुदरत की बेमिसाल कारीगरी कहें या फिर दो शिलाओं का अद्भुत संतुलन, ये पत्थर सालों से ऐसे ही टिका हुआ है। जबलपुर में देखने के लिए कई अद्भुत चीजें हैं, उन्हीं में से एक ये बैलेंसिंग रॉक जो कैमरामैन अभी आपको दिखा रहे थे। कहते हैं कि पिछले सैकड़ों सालों से ये पत्थर जो है इसी तरीके से बैलेंस्ड इस पे टिका हुआ है। और खास करके आपको तो बता दूं कि जबलपुर जो है सिस्मिक जोन में आता है, यानी कि कई सारे भूकंप यहां आते हैं, लेकिन ये पत्थर जो है पिछले कई सौ सालों से यूं ही टिका हुआ है। और इसे देखने के लिए, यहां पर सेल्फी निकालने के लिए, इसकी तस्वीरें निकालने के लिए लोग रोजाना बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा होते हैं। जिस तरीके से बैलेंसिंग रॉक सालों से यूं ही टिका है, क्या इसी तरह से सूबे की शिवराज सरकार चौथी बार सत्ता में टिक पाएगी? केंद्र की सत्ता में दूसरी बार आने के लिए क्या मोदी सरकार और जनता के बीच सही संतुलन बन पाएगा? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा जबलपुर में रानी दुर्गावती के किले पर पहुंची। कहते हैं महर्षि जबाली के नाम पर इस इलाके का नाम जबालीपुरम रखा गया था, जो आज का जबलपुर है। पहले मराठा शासकों ने हराज किया, यह इलाका उनका मुख्यालय हुआ करता था। उसके बाद गोंडवाना साम्राज्य के राजाओं ने इस इलाके का काफी विकास किया, और इसी का सबूत है ये मदन महल जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। इसे दुर्गावती का, रानी दुर्गावती का किला भी कहते हैं, और इसकी ख्याति दूर दूर तक है। दूर दूर से लोग जो है वो इस किले को देखने आते हैं, लेकिन ये किला जो है फिलहाल खंडर में तब्दील हो गया है। सरकार की अपने ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर उदासीनता का एक और नमूना है ये। रानी दुर्गावती का किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। खंडहर हुई इस सांस्कृतिक विरासत को देखने आए सैलानियों से हमने महाकौशल की सियासत को जाना। शिवराज सिंह चौहान को वोट देंगे 2018 फिर से मुख्यमंत्री बनाने? ये तो सीक्रेट बात है, हर कोई नहीं सोवरेगा। और नरेंद्र मोदी ने चार सालों में कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो तो अभी। और 2019 में किसको वोट देंगे? मोदी जी। क्यों, राहुल जी को क्यों नहीं? राहुल जी आपको लगता है कि वो संभाल सकते हैं? आप जनता है, आप बताइए आपको लगता है कि नहीं? हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? अभी तक तो कुछ उनमें, उनकी पार्टी में कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि वो कुछ कर सकती है। सात साल राज किया, क्या करके दे दिए। रानी दुर्गावती के किले से सियासत की नब्ज टटोलने के बाद इंडिया न्यूज का कारवां जबलपुर के मशहूर भेड़ा घाट पहुंचा। भेड़ा घाट पर नर्मदा की तेज लहरें संगमरमर के पत्थरों को चीरते हुए इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि देखकर मन सिहर उठता है। जबलपुर में जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कुदरत ने बड़े ही फुर्सत से इस जगह को बनाया है। भेड़ा घाट जबलपुर शहर से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं काफी रमणीय हैं। दोनों तरफ संगमरमर की 100 फीट से ऊंची चट्टानें और बीच में नर्मदा बह रही है। शंभुलोक से धारा आई, मीकल पर्वत तीर्थ बना। भेड़ा घाट मध्य प्रदेश के महाकौशल की मशहूर जगह है, जहां देश विदेश से सैलानी आते हैं। यहां मौजूद हजारों दुकानदार संगमरमर के पत्थरों पर बनी कलाकृतियों को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में नोटबंदी और जीएसटी से संगमरमर का कारोबार चमका,
या फीका पड़ा, ये भी जान लेते हैं। सरकार कुछ संगमरमर उद्योग के बारे में कुछ सोच रही है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनका उनकी आमदनी बढ़े? सरकार तो अभी हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही, और जीएसटी लगा दी है तो और कुछ नहीं हो पा रहा हम लोगों का। आपके व्यवसाय पर कैसा असर पड़ा है सरकार की नीतियों का, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का कुछ असर संगमरमर के इस व्यवसाय पर दिखता है आपको? फिलहाल तो नहीं है, और ये बड़े बड़े लोगों जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं उनको फर्क पड़ा होगा, छोटे मोटे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा फिलहाल। कुछ पॉजिटिव है सर? फिलहाल कुछ भी नहीं। कुछ नेगेटिव है सर? कुछ भी नहीं। जो सब पहले चल रहा था सब कुछ वैसा ही सेम वैसे ही चल रहा है? आमदनी बढ़ी नहीं? आमदनी बढ़ी ना, बढ़ गई आमदनी। भेड़ाघाट के दुकानदारों की केंद्र और सूबे की शिवराज सरकार को लेकर मिली जुली राय है। ऐसे में क्या ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले का संकेत है? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा जबलपुर के मिठाई लाल चक्रवर्ती के यहाँ पहुंची, जिनके दरवाजे पर नेताओं की भीड़ लग जाती है जब चुनाव करीब आते हैं। सभी का मन ढोल रहा है, सभी का मन ढोल रहा है, अरे आया चुनाव का मौसम, जबलपुर बोल रहा है। सियासत की बात को सुर और सरगम के साथ जनता तक पहुंचाने में महारत हासिल करने वाले मिठाई लाल ने संगीत के साथ सूबे में सियासत की पूरी बात हमें बताई। शिवराज सिंह चौहान जो बातें करते हैं वो यहाँ के अधिकारी सरकारी तंत्र सुनते ही नहीं है, तो उनको बदल देना चाहिए। हाँ, सरकार अब क्या है, इसी कारण से कांग्रेस यहाँ पर हावी होती जा रही है और आने वाले समय में कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर होगी। मोदी जी का चुनाव आएगा 2019 में, तब 2019 यहाँ के चुनाव के बाद में उसका परिणाम तय करेंगे। मिठाई लाल जी के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के लिए महाकौशल में राह आसान नहीं है, लेकिन केंद्र के लिहाज से जनता पीएम मोदी की नीतियों के साथ खड़ी दिखती है। केंद्र के पक्ष में सियासी हवा बहने का जो संदेश जबलपुर में मिला, क्या वो महाकौशल के बाकी जिलों में भी कायम है? ये जानने के लिए वोट यात्रा का कारवां कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले महाकौशल रीजन के छिंदवाड़ा जिले में पहुंचा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बड़े जिलों में से एक मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा घने जंगलों, हरे भरे मैदानों और नदियों से घिरा है, लेकिन आधुनिक छिंदवाड़ा यानी मॉडर्न छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के मौजूदा सांसद कमलनाथ हैं। कमलनाथ ने इस लोकसभा संसदीय सीट का 9 बार प्रतिनिधित्व किया है। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा छिंदवाड़ा के मशहूर छत्रपति शिवाजी चौक पहुंची। छिंदवाड़ा के अलग अलग कोनों को जोड़ते इस चौक पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसी चौक पर चौपाल लगाई। तो राज्य के चुनाव के माहौल की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को फिर से दोबारा मौका मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा है, हमारा मानना है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। एक बार छिंदवाड़ा जिले में हमारे नाथ साहब ने बहुत किया है और छिंदवाड़ा जिले के लिए तो उनके जैसा व्यक्ति अभी तक मिला भी नहीं है। हम ना मिलेगा। तो लगता है कि इस बार अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार जाती है कांग्रेस जीत, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बन सकते? जी जी बिल्कुल, बनना भी चाहिए सर जी। परिवर्तन होना चाहिए। किसानों के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे लिए कमलनाथ जी बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि 4 साल हो गए मोदी सरकार के कामकाज को छिंदवाड़ा वासी कैसे देखते हैं? बढ़िया काम किया है? कुछ फायदा छिंदवाड़ा को मिला? कोई फायदा नहीं हुआ सर, सब धंधे टूट गए नोटबंदी की वजह से। हम लोग त्राई त्राई हो गए बिजनेस वाले सर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ छत्रपति शिवाजी चौक से निकली ये लहर क्या छिंदवाड़ा के रिहायशी इलाकों में और जोर पकड़ेगी?
ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा छिंदवाड़ा के गोलगंज इलाके में पहुंची। छिंदवाड़ा के बीचों बीच या यूं कहें छिंदवाड़ा के हृदय में इस वक्त हम मौजूद हैं, गोलगंज इलाके में मौजूद है। और इस इलाके में दो गेट मौजूद हैं, कमानिया गेट जिसे कहते हैं, और कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस गेट को बनवाया था। इस इलाके में रहने वाले लोग जो दुकान चलाते हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इलाके के बारे में और साथ ही चुनावी माहौल क्या है। पिछले चार सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ किया है छिंदवाड़ा के लिए, फिर से उनको मौका मिलना चाहिए बतौर प्रधानमंत्री। जरूर, उन्होंने बहुत अपने छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किए, जिससे इस बार फिर से मौका मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना भी है और हम लोग का भी है। अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो सारी गरीबी रहेगी ना, झंझट रहेगा ना कुछ, सारी चीज की परेशानी ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार बहुत दिया है उन्होंने। नहीं, रोजगार दिया है मैं मानता हूँ, पहले की जो गवर्नमेंट काम की उससे बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसकी अपेक्षा जो 50 साल में नहीं हुआ आज 5 साल में वो बहुत बड़ी बात है। छिंदवाड़ा में केंद्र से लेकर सूबे की राजनीति पर दो अलग अलग राय काबिज है, ऐसे में क्या महाकौशल में सत्ता का संग्राम होगा? आ गई है कश्तियां मझधार में और तुम भरोसे दे रहे हो प्यार में, अरे पी गई सारा का सारा समंदर आज की राजनीति, मछलियां सिर्फ जख्मी हुई है भ्रष्टाचार में।